मेरे चैनल में आप सबका फिर से एक बार खुशामदीद। तो आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। सबसे पहले तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो मेथी के पराठे बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है गेहूं का आटा, जो कि 3 हिस्से होगा। जो चम्मच आप देख रहे हो, मैंने उसी चम्मच के मेजरमेंट से 3 चम्मच गेहूं का आटा और 1 चम्मच चने का आटा, दोनों आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर उसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। और मैंने एक बंडल मेथी की भाजी ली थी, उसको अच्छे से वॉश कर ली और उसको भी बारीक चॉप करके ऐड कर लें। आधा टीस्पून अजवाइन और 2 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें और बारीक चॉप की हुई हरी धनिया ऐड करके सबको अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे, ताकि जो भी मॉइस्चर है मेथी में, ऑनियंस में और हरी धनिया में, ताकि सबसे पहले आटे में अब्जर्व हो जाए। फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कितना पानी लगेगा, उस हिसाब से हम आटे को गूंदेंगे। अब इसमें जाएगा 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने डाला है 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला। और इस पॉइंट पे मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी भी डाली थी, जो कि वो वीडियो मिस हो गया है। और अब यहाँ पे मैंने सारे मसालों को मिक्स करके आटे को गूंद लिया था। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और फिर आटे को गूंद के रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 10 to 15 मिनट्स। लेकिन उससे पहले ऑयल से गूंद कर रेस्ट के लिए रख दें। दस मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आटा एकदम मुलायम हो गया है। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं और अब रोटियां बेलेंगे। इसमें थोड़ा सा ड्राई आटा लेंगे, इस पर थोड़ा स्प्रिंकल करके अब रोटी को बेलना स्टार्ट करेंगे। रोटी को आप जितनी मोटी रखना चाहें रख सकते हैं, जितनी पतली करना चाहें कर सकते हैं। और अब इस पॉइंट पे इसमें ऑयल लगाएंगे। अच्छे से सारी रोटी को ऑयल लगना चाहिए, लगा के हम इसका पेड़ा बनाएंगे। अब रोटी को ऑयल तो लग चुका है, अब इसकी फोल्डिंग इस हिसाब से करेंगे, जिससे इसमें अच्छे से लेयर्स आएंगे और रोटी बहुत प्यारी बनेगी। पेड़ा तो बन गया है, अभी हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क आटा, ड्राई आटा, और रोटी को जितनी पतली चाहिए बेलिए, या फिर मोटी रखना है मोटी रखिए, या फिर मीडियम साइज़ की बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ की रोटियाँ बनाई हैं। हल्के हाथों से बेलिए, जैसे आप नॉर्मल रोटियाँ बनाते हैं, बस उसी तरह का प्रोसीजर फॉलो करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है, आप जैसी नॉर्मल रोटियाँ बेलती हैं बस ऐसे ही आपको बेलना है। बस इतना ख्याल रखिएगा कि रोटी टूटे ना और इस पर ज़्यादा फोर्स ना डालें। चलें फटाफट एक और रोटी बेल लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 पेड़े लिए थे रोटियाँ बनाने के लिए। मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, रेसिपीज़ को ज़रूर से ट्राई करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मैंने रोटियों का आटा बेल लिया है, तो अभी हम रोटियां बनाएंगे। तवे को मीडियम फ्लेम पे रख के गरम कर लें। जैसे ही तवा गरम हो जाता है आप उसमें रोटी डाल दें और रोटी को अलट पलट के अच्छी तरह से पकाएं। जिस तरह से आप नॉर्मल रोटियां बनाते हैं सेम उसी तरीके से आपको रोटियां बनानी हैं।
उसमें आप बटर ऐड कर लें या फिर घी ऐड कर लें, ऑयल भी ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसमें घी लगाया है, घी और बटर से बहुत अच्छी खुशबू आती है रोटियों में और ये बहुत मज़ेदार भी बनती है। तो आप सारी रोटियां इसी तरीके से बनाएं घी या बटर लगा के। इस रेसिपी की सारी डिटेल्स और इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से भी रेफ़र कर सकते हैं। मेथी पराठे को आप दही के साथ खा सकते हैं और टमाटर की चटनी या टमाटर प्याज की सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं। चाय के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा होता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आखिर में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।